राजधानी दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर साबित हो रही है। बता दें कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही हैं। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता से हमारे संवाददाता शुभ सेठ ने खास बातचीत की, देखिए इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, जिस तरह से 1100 पेड़ काटे गए हैं जिसको लेकर आप लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, लेकिन कल बीजेपी दिल्ली के जो अध्यक्ष अरविंद सज्जन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। उनका कहना है कि जो पेड़ काटे गए हैं उसमें मंजूरी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय ने दी है। देखिए, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो कागज उन्होंने दाखिल किया वो कोई और मामला है। ये केस तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट में है एलजी महोदय। अगर उनके पास ये सारे सबूत हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दाखिल करते? वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनीता केजरीवाल ने अभी एक वीडियो कुछ देर पहले ही जारी करा है जिसमें उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस बिहाफ पे जो है अरेस्ट किया गया है, तो इसको लेके कैसे देखेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो भ्रष्ट लोग हैं उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी है। अरविंद केजरीवाल जी जो हैं उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा है। ऐसे कुछ लोग जिनको इस केस में मंगूटा रेड्डी वगैरह लोग जो इस केस में जिनको पहले आरोपी बताया गया था उनको अब सरकारी गवाह बनाया गया है और उन्होंने 10 बार जो एफिडेविट दाखिल किया है उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं। उसके बाद जब उनको मारा गया, पीटा गया, उनकी फैमिली पे दबाव डाला गया, तब उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया है। अभी मैम आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है बीजेपी के, किस तरह से बीजेपी जो एक भ्रष्ट पार्टी है कि जो बिहार में पुल गिर रहे हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट पे जो घटना हुई थी उसको लेके क्या कहेंगी? देखिए, पिछले 10 दिन में कम से कम 15 पुल गिरे हैं बिहार में, 3 एयरपोर्ट गिरे हैं। इन सब के पीछे भ्रष्टाचार है और उसी भ्रष्टाचार का आज मैंने एक और उदाहरण दिया कि कैसे रविंद्र वाइकर के केस में जो है क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई, जबकि रविंद्र वाइकर पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में थे, अब उन्होंने शिवसेना गुट को ज्वाइन किया जो कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, तो उनके खिलाफ सारे केसेस ड्रॉप किए जा रहे हैं और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा रही है। काफी सवाल लेना चाहूंगा मैं, मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई, इसको कैसे देखती है? देखिए, तो मामला न्यायालय में है, ईडी के पास, सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है और हमें न्याय प्रक्रिया में पूरा विश्वास है। मनीष जी शीघ्र से शीघ्र वापस बाहर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता, जिनका साफ तौर पर कहना था जिस तरह से बिहार में लगातार पुल गिरे हैं और दिल्ली के एयरपोर्ट पर जो घटना हुई थी उसको लेके बीजेपी पर लगातार इन्होंने आरोप लगाए हैं। एमकेएन न्यूज़ के लिए दिल्ली से शुभ सिंह।